गुड मॉर्निंग दोस्तों, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आई होप आपको समझ में आ रही हो। चलिए टॉपिक जो हमारा लास्ट टाइम तक सॉफ्टवेयर क्राइसिस, हमने देखा था कि लास्ट टाइम की सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या थी बेसिकली, कि जो हमारे जो पहले वाले टाइम में क्या प्रॉब्लम थी, हार्डवेयर ओरिएंटेड कंसेप्ट थे हमारे पहले जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती थी, कोस्ट की प्रॉब्लम हुई, फिर इनएक्सपीरियंस डेवलपर की प्रॉब्लम हुई, फिर सॉफ्टवेयर जो बने थे बिग बड़े बड़े वो उनमें जो प्रॉब्लम्स आई, कितना नुकसान उठाना पड़ा वो देखा था हमने लास्ट टाइम, ठीक है। और यूजर की जो चेंजिंग रिक्वायरमेंट होती है उसकी वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। तो ये सब हमने कवर किया था पिछले टॉपिक में। प्लीज़ आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके बहुत काम आएगा, और उसे शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दोस्तों सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर करेंगे हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसेप्ट, ठीक है। काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़ा भी टॉपिक है और कई बार आता भी है, करने में मज़ा आएगा। देखिए बुक्स काफ़ी है इसके अंदर, मैं पहले एक चीज़ दिखा देता हूँ आपको कि इसके अंदर जो रेफर की जाती है बुकें प्रेसमैन की है, राजीव मॉल है, मिस्टर पंकज जलट्टे जी हैं, जलोटे जी हैं, फिर पियर्सन की बुक है, ऐसी बहुत सारी बुकें हैं। बट जिसको मैं ये कहूँगा कि मुझे सारी बुकें अच्छी लगी, ऐसा बात नहीं, हर किसी का अपना अपना फीचर था इसके अंदर, मुझे हर बुक से समझ में आया। बट सम बस स्पेशली मेरे को जो पहली रेफरेंस बुक है रोजर्स की वो काफ़ी अच्छी लगी, ठीक है। तो जिसको फॉलो करनी हो कर सकते हैं, अगर किसी को चाहिए लिंक तो मुझसे ले लीजिएगा। टॉपिक की बात करते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कंसेप्ट जो है वो बेसिकली है क्या, ठीक है, वो देखते आइए। ये आ जाइए, बेसिकली देखिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होती क्या है, ये एक तरीके की आर्ट या साइंस लगा लीजिए किस चीज में। बेसिकली जब हमने रिक्वायरमेंट को गैदर कर लिया, उसको एनालिस कर लिया, अब हमें क्या करना है दोस्तों, उसको प्लान अप करना है समवेयर की एक टीम, एक चीज़ को प्लान करना और फिर उसकी मैनेजमेंट उसकी तरफ जाना कि उसको कैसे मॉनिटर करना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर। जैसे मैंने बताया कि एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बेसिकली क्या करता है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स की क्या करता है, प्लानिंग करता है, इम्प्लीमेंटेशन करता है, मॉनिटरिंग करता है, कंट्रोल करता है उसको, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट के इसके पार्ट हो गए। अब जो सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट का जो मेन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट है वो किस चीज़ पर फोकस करता है, चार पी पे फोकस करता है। देखिए फोर पीज मैंने लिखा हुआ है, वो चार पी क्या है, पहला है पीपल, देन है प्रोडक्ट, देन है प्रोसेस, देन है प्रोजेक्ट, ठीक है। ये सारे अलग अलग है, अब हम एक एक करके देखेंगे कि पीपल पे कैसे फोकस करता है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती है, फिर प्रोडक्ट पे देखेंगे, फिर प्रोसेस पे और फिर प्रोजेक्ट पे। आज हम सिर्फ देखेंगे पीपल पे, ठीक है, इस टॉपिक के अंदर, क्योंकि काफ़ी बड़ा है इसके अंदर टॉपिक। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम करेंगे इसके अंदर की प्रोडक्ट, प्रोसेस और प्रोजेक्ट, इन तीनों पे कैसे फोकस करता है, ठीक है। आइए देखिए पीपल पे कैसे ये फोकस करता है वो हमें देखना है कि बेसिकली पीपल क्या हो गए, हमारी टीम मेंबर्स हो गए। टीम मेंबर्स के अंदर कुछ भी आ सकता है, चाहे वो हमारा हेड हो, चाहे हमारा मैनेजर हो, चाहे टीम लीडर हो, चाहे जो डेवलपर टीम हो, या टेस्टिंग टीम हो, या जो कंपनी का ओनर हो, वो सब इसके अंदर आ जाते हैं। बेसिकली हम इसके अंदर डील करते हैं कल्टीवेशन ऑफ मोटिवेटेड हाईली स्किल्ड पीपल। कल्टीवेशन का मतलब क्या था, उगाना, उसको आगे बढ़ाना, उसको ग्रो करवाना। अगर एक सॉफ्टवेयर हमें बेसिकली क्या हुआ, देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है SEI, इस पर अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। उन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया जिसे हमने कहा पीपल मैनेजमेंट कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। ये क्या था, ये बेसिकली जैसे हम जब कोई प्रोजेक्ट को हैंडल करते हैं तो ये हमें इस मॉडल की हेल्प से हम एक तो राइट जो पर्सन या एक टीम है उसको बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। और इस मॉडल की हेल्प से ये कुछ ऐसे स्टेप फॉलो करवाता है जिससे हम एक टीम को ग्रो कर सके उस प्रोजेक्ट के लिए। तो वही हम देखेंगे कि बेसिकली जैसे इसने बताया कि अट्रैक्ट करना, ग्रो करना, उसको मोटिवेट करना, डिप्लॉय करना, रिटेन करना। मतलब जैसे एग्जांपल ले लीजिए, एक कंपनी आज आपको इन्फोसिस हायर करती है किसी को, वो क्या कहती है, हम पहले इसे ट्रेनिंग पे भेजेंगे। वो ट्रेनिंग आपने सोची क्या चीज़ है, वो ट्रेनिंग इसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पार्ट है डियर। वही आपका जो मैंने क्या कहा आपको अभी, मैंने क्या कहा, एक मॉडल बना पीपल मैनेजमेंट कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, वो यही है। वो उस टाइम अपनी डेवलपमेंट का एक फेज को कैरी ऑन कर रहे हैं कि आपको ऑफर्स देके, आपको एक रिक्रूट करके, आपको ट्रेनिंग देके, आपको मोटिवेट करके, आपकी स्किल्स को ग्रो करवा के एक प्रोजेक्ट के अंदर डालते हैं। ये सारा प्रोसेस वही है, ठीक है। तो ये देखिए आगे हम देखते हैं, इसके अंदर बेसिकली हम एक
जब ट्रेनिंग देते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, उसकी स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, उसकी कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, उसको एनहेंस करते हैं, ताकि आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हमारे पास उनमें हमें नए बंदों की जरूरत ना पड़े, इन्हीं बंदों से हम वो काम करवा सके। जैसे कि जो PMMM मॉडल, पीपल मॉडल, मैच्योरिटी मॉडल जो है, इसके अंदर रिक्रूटमेंट होगी, सिलेक्शन हो गया, परफॉर्मेंस हो गई, ट्रेनिंग दी जाती है, कंपनसेशन, करियर डेवलपमेंट होती है, ठीक है, अलग अलग फेजेज है इसके भी, ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्क डिजाइन किया जाता है, टीम एंड कल्चर डेवलपमेंट की जाती है। मतलब एक बंदे को जब कंपनी हायर करती है तो उसको रिक्रूट करना हो गया, ठीक है, उसको मैच्योर करना, उसको ट्रेनिंग देना, उसको स्किल को एनहेंसमेंट करना, एक कंपनी में लायक रहने लायक बनाना, ठीक है ना, रहने लायक बनाना, उसकी एक कल्चर, उसको एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, वर्क डिजाइन करना, टीम मेंबर बनाना कि टीम में काम कर सके, मतलब ये सारी चीज़ें क्या आ गई आपके PMMM मॉडल के अंदर आ गई, ठीक है। अब बता रहा है कि पीपल से एग्जैक्टली मीनिंग क्या था उसका, कि पीपल कौन, पीपल कंसिस्ट ऑफ तीन चीज़ें कंसिस्ट करता है पीपल। पहली चीज़ है स्टेक होल्डर्स, दूसरी होती है टीम लीडर्स, और तीसरी होती है सॉफ्टवेयर टीम। देखिए स्टेक होल्डर्स के अंदर सीनियर मैनेजर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रैक्टिशनर्स, कस्टमर्स एंड एंड यूजर्स आ गए, जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर यूज होता है। एक टीम लीडर के अंदर आ गई राइट स्किल्स और उसका एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है। थर्ड जो पॉइंट है पीपल का वो है सॉफ्टवेयर टीम, मतलब सॉफ्टवेयर टीम के अंदर कोडर, टेस्टर और मैनेजर्स आ गए, ठीक है। तो ये देखेंगे एग्जैक्टली कौन है, कैसे काम करते हैं। आइए इसके अंदर देखिए, पहले हमने लिखा स्टेक होल्डर्स, वो क्या थे, सीनियर मैनेजर्स। सीनियर मैनेजर्स का काम क्या होता है दोस्तों, देखिए बिजनेस इश्यूज डिफाइन करता है, बेसिकली चेक करना कि जो प्रोजेक्ट लिया उसके इश्यूज क्या रहेंगे, उसको चेक करना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सीनियर मैनेजर, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं, छोटी छोटी चीज़ें कि हम बेसिकली सिंपल रोल बताना है सीनियर मैनेजर का क्या होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट है जो प्रोजेक्ट या टेक्निकल मैनेजर्स जो होते हैं, वो प्लान करते हैं, मोटिवेट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, कंट्रोल। इसके अंदर HRs आ गए, मोटिवेट, ठीक है ना, HRs जो हमारे होते हैं, रिक्रूटर्स होते हैं, वो आ गए, जो एक सॉफ्टवेयर को प्लान करते हैं वो आ गए, मोटिवेटर हो गए, ठीक है। अब आगे प्रैक्टिशनर, इसके क्या करते हैं बेटी, डिलीवर करते हैं टेक्निकल स्किल्स जो हमारे जो यूजर्स के अंदर, सॉरी यूजर्स के अंदर, जो टीम के अंदर स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प करते हैं, वो हमारे प्रैक्टिशनर्स हो गए, ये खुद एक प्रैक्टिशनर्स भी हो गए, ठीक है, प्रोडक्ट के लिए या एप्लीकेशन के लिए। नेक्स्ट आ गया कस्टमर, कस्टमर जिसने प्रोजेक्ट बनवाना है वो हो गया, उसको हम प्रॉपर बेसिकली बताते हैं कि कैसे से काम करना है, सब होगा, ठीक है। फिर आ गया एंड यूजर्स, एंड यूजर बेसिकली जो एंड में सॉफ्टवेयर को यूज करेगा वो इसके अंदर आ गया, उसको प्रॉपर गाइडलाइंस देना, उसको ठीक करवाना। अब स्टेक होल्डर्स के बाद आता पीपल के अंदर टीम लीडर्स, टीम लीडर्स का क्या, टीम लीडर्स जो उसका काम क्या होता है, उसकी क्वालिटीज़ क्या है, मोटिवेशन करना ऑर्गेनाइजेशन, मतलब मोटिवेशन में क्या हो गया, किसी की एबिलिटी को एनकरेज करना टेक्निकल पीपल को कि भाई तुम हाँ ये प्रॉपरली कर सकते हो, तुम्हारा तुम अपना बेस्ट निकाल सकते हो, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होगा कि एबिलिटी टू मोल्ड एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस, जो कंसिस्ट बेसिकली जो करंटली प्रोसेस चल रहे उसको मोल्ड कर सके, इतनी एबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए टीम लीडर के अंदर। एक आइडियाज़ और इनोवेटिव होना चाहिए कि नए आइडियाज़ को ला सके, उनकी स्किल्स को यूज़ कर सके, ठीक है। ऐसे अनदर सेट ऑफ यूजफुल लीडरशिप, जो यूज लीडरशिप की जो एक नए फीचर्स होते हैं, वो क्या, प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए कि नई प्रॉब्लम को एनालाइज कर सके, उसको सॉल्व कर सके, नए प्लान्स को ला सके। मैनेजीरियल आइडेंटिटी होनी चाहिए, मतलब टेक चार्ज, मतलब एज इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो चार्ज ले सके प्रोजेक्ट के ऊपर, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो किसी चीज़ को एज्यूम कर सके, उसे कंट्रोल कर सके, किसी चीज़ की एश्योरेंस दिला सके कि हाँ भाई तुम जो काम कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, ठीक है। अचीवमेंट, एक तो रिवार्ड इनिशिएटिव होना चाहिए, और डेमोन्स्ट्रेट दैट कंट्रोल रिस्क टेकिंग विल नॉट बी पनिश्ड। एक तो रिवार्ड इनिशिएटिव होना चाहिए कि भाई हाँ रिवार्ड दे सके। दूसरा चीज़ ये कि उसके अंदर एक रिस्क टेकिंग की एबिलिटी होनी चाहिए, और दूसरे के अंदर इतना मतलब कॉन्फिडेंस पैदा कर सके कि हाँ भाई तुम रिस्क लो बट तुम्हें पनिश नहीं किया जाएगा, उसका मतलब कोई तुम्हें पनिश नहीं करेगा, कोई तुम्हें उंगली नहीं उठाएगा, बट एक पर्टिकुलर लेवल तक तुम एक पर्टिकुलर रिस्क को ले सके, मतलब रिस्क इनिशिएटिव होना चाहिए। एक और पॉइंट हो गया इसके अंदर दोस्तों, इन्फ्लुएंस एंड टीम बिल्डिंग, वो इतना इन्फ्लुएंट होना चाहिए कि हाँ भाई लोग उसकी बात को समझे, दूसरों को अपनी बातों को समझा सके, एक टीम को बिल्डअप कर सके, मतलब उनके ऊपर स्ट्रेस ना आ सके, इस तरीके से टीम को मैनेज करे कि हाँ कोई किसी को ये ना लगे कि वो मतलब काम नहीं कर पा रहा, या मतलब सारी चीज़ें उसके ऊपर सारा बोझ ना आ गया हो, ठीक है। अब पीपल के अंदर जो आता है सॉफ्टवेयर टीम आ गई आखिरी में, इसके अंदर क्या आ गए दोस्तों, जो हमने पॉइंट कवर करने की डिफिकल्ट, ये टीम में बेसिकली कंसीडर करते हैं किस बेसिस पे, कि डिफिक एक प्रोजेक्ट का साइज क्या है,
टाइम कितना लगेगा, उसकी डिग्री किस लेवल तक चाहिए, क्वालिटी क्या है, डिलीवरी डेट क्या है, कम्युनिकेशन कैसा है, उसके हिसाब से हमने सॉफ्टवेयर का टीम को बनाते हैं। बेसिकली जैसे कि इसके अंदर चार तरीके होते हैं, क्लोज्ड पैराडिग्म जो हम पुरानी टीम यूज करें उसको यूज करते हुए हम वही एफर्ट्स पुराने मेंबर्स को यूज करते हुए बेसिकली उसको वो यूज करें, ठीक है। दूसरा, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो टीम हम बनाते हैं उसका जो किस बेसिस बना सकते हैं हम, रैंडम पैराडिग्म। इसके अंदर क्या होता है, डिपेंड करता है किस चीज़ पे, इंडिविजुअल की इनिशिएटिव्स पे या टीम मेंबर्स पे, ठीक है, कि इंडिविजुअली क्या कर सकता है उसके बेसिस पे हम टीम बनाते हैं। ओपन पैराडिग्म के अंदर आता है कि हाइब्रिड ऑफ द क्लोज और रैंडम पैराडिग्म, बेसिकली इसके अंदर हम दोनों का मिक्सअप बनाते हैं, पुरानी टीम को भी लेते हैं नई टीम को लेते हैं, एक इनोवेटिव चीज निकालने के लिए, ठीक है। एक सिंक्रोनस पैराडिग्म बेसिस पे हम जब टीम बनाते हैं सॉफ्टवेयर के लिए, तो उसमें हम क्या करते हैं कि बेसिकली टीम के मेंबर को ऑर्गेनाइज करते हैं किस बेसिस पे, कि जो बेसिकली जो प्रॉब्लम है वो क्या है और मेंबर के अंदर कितना बेसिकली टैलेंट है या कितने ग्रुप्स है कि जो उसको हैंडल कर सके, ठीक है। जो अब हमने पीपल तो देख लिया, जो हमारे 3 पॉइंट्स रह गए हैं कि एक प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, प्रोजेक्ट क्या होता है, वो दोस्तों हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करेंगे, ठीक है।